निवेदिता, लोकसभा चुनाव का आकलन हर तरह से होता है। ये कैसा चुनाव है जो देश और विदेश दोनों को प्रभावित करता है और देश अगले 5 साल के लिए अपने विकास का पैमाना तय करता है। तो इसी बीच देश का हर कोना, हर जर्रा आजकल चुनाव से सराबोर है। इसी बीच सट्टा बाजार भी काफी सक्रिय हो गया है और सट्टा बाजार भी राजनीति के इस खेल को पूरी चतुराई के साथ खेल रहा है। खबरों की माने तो 2019 के आम चुनाव पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का सट्टा लग चुका है, जो 2014 के चुनाव के मुकाबले दोगुना है। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि सट्टा एक अनियमित बाजार है। ऐसे में रकम के आंकड़े का सही सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें ना तो कोई शख्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और ना ही सरकार को बताता है कि उसने कितने का सट्टा लगाया है। और इसी वजह से सट्टा बाजार में लगी रकम का सही सही आकलन करना कठिन होता है और इसी वजह से रकम का शत प्रतिशत दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन सट्टा बाजार में भी देश में बह रही हवा को भांप कर ही दांव लगता है। और अगर सट्टा बाजार की माने तो मोदी यहां भी राहुल गांधी से आगे दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, सट्टा बाजार में एनडीए और यूपीए पर भी जोरदार सट्टा लगाया जा रहा है। सट्टा बाजार की माने तो गठबंधन में भी सीटों को लेकर बड़ा अंतर देखा जा रहा है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सट्टा बाजार में भी मोदी और एनडीए यूपी और राहुल गांधी को मात देते दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि 23 मई को क्या होता है। उस दिन सारे आंकड़े और सारी विशेषज्ञता धरी की धरी रह जाएगी। जब जनता के मतों की मतगणना होगी तब पता चलेगा कि किसका भाव ज्यादा है और किसका कम। फिलहाल तो चढ़ाव और उतार जारी है। नया टीवीएस रेडियो, जियो बुलंद, बढ़ो बुलंद। साथियों, मैंने कहीं पढ़ा कि राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी तो एक्टर है, एक्टर। अब जिस पार्टी के नामदारों को रिमोट की इतनी आदत हो तो उसे हर कोई एक्टर ही नजर आएगा। चाहे रिमोट से सरकार चलानी हो या फिर रिमोट से वीडियो गेम खेलना हो, एक्टर से आगे ये लोग कुछ सोच ही नहीं पाते। और इसीलिए एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के समझदार होने के इंतजार में, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। कांग्रेस ने 10 साल तक, मुझे जो एक्टर कह रहे हैं उनको पता होना चाहिए, उन्होंने 10 साल तक इस देश पर एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थोप दिया था। भाइयों, गरीब को लेकर ये कितने असंवेदनशील रहे हैं, इसका एक और उदाहरण आज मीडिया में छाया हुआ है। साथियों, यूपी के अमेठी में एक अस्पताल है। इस अस्पताल के ट्रस्टी नामदार परिवार के सदस्य हैं। कुछ दिन पहले इस अस्पताल में एक गरीब आयुष्मान कार्ड लेकर अपना इलाज कराने के लिए गया। वो मौत के साथ लड़ाई लड़ रहा था, वो जीने के लिए तड़प रहा था। उसके हाथ में मोदी का दिया हुआ आयुष्मान भारत योजना का कार्ड था। वो अस्पताल गया, आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, अमेठी की वो अस्पताल जिसका कारोबार है नामदार परिवार चलाता है, उस अस्पताल ने उस मरीज को इसलिए मना कर दिया कि उसके हाथ में मोदी का दिया हुआ आयुष्मान भारत का कार्ड था। जानते हैं नामदार परिवार के अस्पताल ने उस गरीब को क्या कहा?
मीडिया की अगर बात माने तो उस गरीब को कहा गया कि ये मोदी का अस्पताल नहीं, जहां आयुष्मान कार्ड चल जाए। सोचिए भाई और बहनों, गरीब की बीमारी को लेकर, उसकी मुश्किल स्थिति को लेकर कांग्रेस से जुड़े लोगों का ये कितना भयंकर रवैया है। और भाइयों बहनों, दुख की बात तो यह है कि इलाज से इनकार करने पर अमेठी का वो गरीब आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अमेठी में उस गरीब की मृत्यु के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को भारत बुलाते थे, भारत आते थे, लेकिन वो भारत को किस रूप में पेश करते थे? ये नामदार ने दुनिया के नेताओं को भारत की गरीबी दिखाने के लिए उनकी हर मुलाकात का उपयोग किया। इन लोगों ने भारत की गरीबी को दुनिया में ब्रांड की तरह बेचा है। इन्होंने भारत की छपी, भारत की इमेज सांप सपेरे वाले देश की बनाई थी और आज भी सांप सपेरों से आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं। भाइयों और बहनों, वही जब राष्ट्र के गौरव को सर्वोच्च रखने वाली सरकार आती है तब क्या स्थिति होती है, ये आपने बीते 5 वर्षों में देखा है। आज विदेशी मेहमान आते हैं, गंगा आरती की तस्वीर देख ले। आज विदेशी मेहमान आते हैं, कुंभ की दिव्यता और भव्यता देख ले। आज विदेशी मेहमान आते हैं, भारत की सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को, उसकी शक्ति देखने के लिए आज विदेशी मेहमान आते हैं तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए। कांग्रेस के नामदारों ने दुनिया को भारत की गरीबी दिखाई और हमने भारत का गौरव दिखाया। साथियों, जब किसी राज्य में हमने बहुत सरकारें देखी है साहब, न देश में कहीं पर हमने 2 CM देखे हैं, न कभी देश ने कभी 2 PM देखे हैं। पहली बार मध्य प्रदेश में 2.5 CM की सरकार है। अब जब 2.5 CM की सरकार है तो ये किस दिशा में जाएगी भाई? ये मध्य प्रदेश को कहां ले जाएंगे? शासन किसका आदेश माने यही पता नहीं है। मैं तो कहूंगा कि धनमोह और पुत्रमोह में फंसे मध्य प्रदेश के नेताओं को सागर झील के लाखा बंजारा जी के त्याग से जरूर सीखना चाहिए। भाइयों, गरीब को लेकर ये कितने असंवेदनशील रहे हैं, इसका एक और उदाहरण आज मीडिया में छाया हुआ है। साथियों, यूपी के अमेठी में एक अस्पताल है। इस अस्पताल के ट्रस्टी नामदार परिवार के सदस्य हैं। कुछ दिन पहले इस अस्पताल में एक गरीब आयुष्मान कार्ड लेकर अपना इलाज कराने के लिए गया। वो मौत के साथ लड़ाई लड़ रहा था।
वो जीने के लिए तड़प रहा था, उसके हाथ में मोदी का दिया हुआ आयुष्मान भारत योजना का कार्ड था, वो अस्पताल गया। आप जान करके हैरान हो जाएंगे, अमेठी की वो अस्पताल जिसका कारोबार है नामदार परिवार चलाता है, उस अस्पताल ने उस मरीज को इसलिए मना कर दिया कि उसके हाथ में मोदी का दिया हुआ आयुष्मान भारत का कार्ड था। जानते हैं नामदार परिवार के अस्पताल ने उस गरीब को क्या कहा? मीडिया की अगर बात माने तो उस गरीब को कहा गया कि ये मोदी का अस्पताल नहीं, जहां आयुष्मान कार्ड चल जाए। सोचिए भाई और बहनों, गरीब की बीमारी को लेकर, उसकी मुश्किल स्थिति को लेकर कांग्रेस से जुड़े लोगों का ये कितना भयंकर रवैया है। और भाई और बहनों, दुख की बात तो यह है कि इलाज से इनकार करने पर अमेठी का वो गरीब आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अमेठी में उस गरीब की मृत्यु के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए।